कोई बंदा 70 से 80 हज़ार रुपये फूक रहा है तो वह क्वालिटी भी चाहेगा। उस कंपनी की ये पीपीएम यूज़ करी है, पीपीएम पानी चाहिए थी, वो वाइट पीपीएम पानी चाहिए थी, हमने देखा आपको दिखाने के लिए पीपीएम लगाई है। ये दूर से पता भी नहीं चल रहा नहीं, कस्टमर को क्वालिटी ही नहीं मिल रही। कस्टमरों को अगर ऐसी सर्विस प्रोवाइड होगी कि भाई कंप्लेन है कस्टमर की तो उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो ये तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। अब आकाश भाई तो आगे से खरीदेगा नहीं इनसे कोई भी पीपीएम। मेरा तो हाथ खड़ा हो चुका। तो कैसा है भाई आप सभी लोग, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। मैं आपका भाई आपका दोस्त अनमोल आ चुका हूँ सभी लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। तो भाइयों आज मैं आया था अपनी एक्सयूवी को अपना भाई वॉश कराने दोबारा से अपना भाई आकाश भाई के स्टूडियो पे, पीछे दिख रहा होगा आपको ये भाई आकाश भाई है यहाँ पे। ये मेरी पहली वीडियो भी अपना भाई इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो वैसे तो आज मैं वॉशिंग की वीडियो बनाना आया था पर मैंने वो टॉपिक चेंज करके एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाने की सोची जो कि थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है और वो मुझे पता चला है आने के बाद। पीछे आप तो काश देख रहे हैं आकाश भाई के स्टूडियो पर कार चढ़ी है, ये आई हुई है पीपीएफ होने के लिए, एक ऑलरेडी रेडी है और एक भाई जो है एक भाई प्रोसेस में है। तो आज मैं इसकी बात करूंगा पीपीएफ की, पीपीएफ की थोड़ी सी सीरियस बात है वो मैं बताता हूँ वीडियो में आ गया आपको। तो बिना देरी करें वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस पहले भाई दोनों कार दिखा देता हूँ, ये भाई टाटा की पंच खड़ी है और इधर खड़े भाई महिंद्रा की थार और इस पर ये है पीपीएफ। पीपीएफ की क्वालिटी जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको, अभी ओवरऑल दिखा देता हूँ आपको ये देख लो। और साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ कोस्टिंग, पीपीएफ की कोस्टिंग कम से कम अगर आप थार की बात करें तो आकाश भाई के कहने का अपना भाई जो अकॉर्डिंग है 70 से 80 हज़ार रुपये भाई कोस्टिंग आते हैं पीपीएफ की। अगर कोई बंदा 70 से 80 हज़ार रुपये फूक रहा है तो वह क्वालिटी भी चाहेगा और भाई इतने जो पैसे हैं अपना भाई अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए कि भाई अपनी कार भाई जो है अपने साइन के लिए होते हैं मेन तो पीपीएफ और दूसरी चीज़ होती है प्रोटेक्शन के लिए, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है ना आकाश भाई। तो आज ये भाई टाटा पंच खड़ी थी मेरी, इस पर भाई दूर से नज़र पड़ी मतलब दूसरे नहीं थोड़ा पास से मैंने देखा तो दोनों डोर जो है ना दोनों डोर के जो कलर है ना थोड़े से डिफरेंस है अगर आपको वीडियो में दिख रहे हो। ये थोड़ा सा डल है मतलब थोड़ा सा मतलब वाइट है ना, वाइट थोड़ा सा डल है इसमें थोड़ा ये थोड़ा येलो ने ऐसा पीपीएफ हुई हुई है इस पर ठीक। तो इसमें क्या हुआ और हम कोई छोटा मोटा ब्रांड यूज नहीं कर रहे हैं, सेफ सील करके एक ब्रांड आता है। सेफ कौन सा सेफ? सेफ सील करके ब्रांड है एक पीपीएफ का ही है, पीपीएफ का ठीक है। तो उसके उसमें हमने ये उस कंपनी की ये पीपीएफ यूज करी है, तीन साल वाली है ये, तीन साल गारंटी मिलती है। हाँ जी, जो एक्चुअल में जो पीपीएफ आनी चाहिए थी वो वाइट पीपीएफ आनी चाहिए थी, वाइट जैसे हुई अपने थार पे हुई है। ये हालांकि जो कलर है दोनों का डिफरेंस है बट फिर भी जो कंपनी भी अलग अलग है, कंपनी एक इस पे पीपीएफ लगी हुई है गाइस आपको दिख भी नहीं रही होगी क्योंकि वो सेम है। हमने दिखा आपको दिखाने के लिए पीपीएफ लगाई है, ये दूर से पता भी नहीं चल रहा पर इसमें देखोगे आप तो पता चलेगा, बट इसमें पता चलेगा इसके बोनट पे भी हुई हुई है, यहाँ पे भी येलो नेस आपको इजीली अपना भाई दिख सकती है, ये थोड़ा येलो इस हुई है थोड़ा सा, ये गाड़ी पेंडिंग हो गई कम से कम दो दिन से गाड़ी दो दिन से पेंडिंग बढ़ी है भाई, ये कंपनी की दिक्कत है। और ये भाई कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये सीरियस क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 70 से 80 हज़ार रुपये मान के चलो और इसमें कितनी कॉस्टिंग आई होगी आकाश भाई? इसमें 50K3 ईयर। और इसमें क्या होता है ये पूरा प्रॉपर एक्चुअल कलर है, ये वाला ये फेंडर पे है और ये पीपीएफ है, ये अलग ही पता चल रहा है, ये अलग ही पता चल रहा है कि कितना येलोनेस आएगी इसके अंदर। तो अगर कोई बंदा भाई 40 से 50 हज़ार रुपये फूक रहा है तो मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी भाई पीपीएफ जो मतलब कलर जो है कलर से मैच नहीं कर रही, इससे अच्छा तो भाई कलर अपना भाई दोनों वाला वे लग रहा है। पीपीएफ का काम होता है भाई अपना भाई जो स्क्रैच वगैरह ना आए और भाई साइन वगैरह अपना भाई जो है बड़े मिलते हैं, पर इसमें क्या हो रहा है ये भाई खुद येलो हो रही है। तो भाई ये जो कमी है ना पीपीएफ की नहीं है, ये कमी है कंपनी की, कंपनी ने जो है भाई या तो ऐसा हो सकता है कि भाई लो कर लो पीपीएफ क्योंकि ऐसे भाई इतनी जल्दी मतलब अभी तो अप्लाई कर रहे थे तो अभी से ये लो पड़ गई है, अभी तक भी कंपनी वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, सबने हाथ खड़े कर लिए कि हमारा कोई रिस्क नहीं है, हमारी गलती नहीं है। फीडबैक तो डाल दिया होगा अपना, फीडबैक डाला है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मैं आगे से। तो गाइस देख लो भाई सेफ सील्ड करके नाम कंपनी है और मैं उनका एक रोल यूज नहीं कर चुका, मैं कम से कम उनके 15 से 20 रोल यूज कर चुका इस ढाई महीने के अंदर अंदर जब से मेरा स्टोर ओपन हुआ है। मतलब कि पहली बार हुआ, पहले नहीं आया उनका ऐसा, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आई लेकिन अब प्रॉब्लम आई है, जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आएगी जब हम कोई जाहिर सी बात है कस्टमर भी हमें कोई चीज किसी चीज के लिए पे कर रहा है अच्छा पे कर रहा है उसको क्वालिटी भी चाहिए
नहीं कस्टमर को क्वालिटी ही नहीं मिल रही, वही तो बात है। अब बात जैसे आप बता रहे हैं आपने पहले भी रोल यूज किया हुआ, तो आप तो मतलब कस्टमर बन गए उनके। अब कस्टमरों को अगर ऐसी सर्विस प्रोवाइड होगी कि भाई कंप्लेन है कस्टमर की, तो उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो ये तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। हमने खुद अपना पैसा ब्लो कर रखा है, किसके अंदर, रोल के अंदर। 15 मीटर का रोल आता है, 3 साल की वारंटी है। अब हमारा पैसा ब्लो है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा कोई इसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब क्या है, कस्टमर जिसकी गाड़ी है उसको तो एक्चुअल कलर चाहिए ना भाई, एक्चुअली चाहिए वही है। वो मैं बता रहा हूँ ना, 40 से 50 हजार रुपए फूक रहा है कोई बंदा, तो वह तो ये एक्सपेक्ट करेगा नहीं बिल्कुल भी। वे तो चाहेगा नहीं कि उसको भाई डल कलर मिले या थोड़ा येलो मिले, वे तो कहेगा ना उसकी तरफ से तो पैसे जा लिए। अब दिक्कत किसको होने वाली है, दिक्कत होने वाली है पीपीएफ करने वाले को, मतलब आकाश भाई को। इन्होंने अब दूसरा रोल मंगाया, अब ये वाली उतारेंगे फिर दूसरा लगवाएंगे, टाइम वेस्ट होगा प्लस पैसा वेस्ट होगा। मेरे जो जितने एप्लीकेटर हैं वो दिल्ली से आते हैं, उनको कम से कम 30 दिन रुके हुए, वो परसों शाम को इवनिंग में मेरे पास आ गए थे। परसों की नाइट हो गई, कल का पूरा दिन हो गया, आज का पूरा दिन रहेगा, आज रात तक जाके गाड़ी कंप्लीट होगी मेरी। तो गाइस अब देख लो, जो कंपनी है उन्होंने तार उठा दी, पर जो असली मतलब जैसे आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका काम होता है कि उसको भाई पूरा मतलब सेटिस्फाइड करना। जैसे आकाश भाई अब ये खराब निकल गई, इनकी गलती नहीं है इसमें, पर ये फिर भी अपना भाई अलग से मंगवा के देगा, कस्टमर को करके देगा, क्योंकि इनको पता क्योंकि इनको पता है कस्टमर की गलती नहीं है इसमें, कुछ भी गलती कंपनी की है, पर कंपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो ये चीज़ गलत है। बाकी मैं बता रहा था आपको, ये जो है ना ये दूसरी कंपनी का, कौन सी कंपनी का, कौन सी, टिंट एंड ऑरेंज ठीक है। इसमें हमने 5 साल की लगाई है, 5 साल की, ठीक है। और कस्टमर अभी गाड़ी चेक करके गया, कस्टमर खुश है कि हाँ मुझे जो एक्चुअल काम मैंने बोला था वो मुझे मिला है। मेन चीज होती है ना कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके मतलब सर्विस का कोई फायदा नहीं है। ये देख लो आप, ये जो फिनिशिंग है प्लस में साइनिंग है। अब जैसे यहाँ पे ये वाटर मार्क्स है, अभी अप्लाई करते करते ये वाटर मार्क्स जैसे आया ना, आप धूप में गाड़ी कैसे खड़ी करोगे, ये अपने इजीली आपका रिमूव हो जाएगा। धूप में जाओगा, धूप में अपनी भाई क्वालिटी और थोड़ा बढ़ जाएगी इसके। और ये सेल्फ हीलिंग वाली होती है, अब जैसे लगाते लगाते क्या होता है, जो हम स्क्रूजिंग वगैरह चलाते हैं उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, लगाते जैसे हल्के हल्के से दिख भी रहे हो, आप गाड़ी जितनी धूप में खड़ी करोगे ये अपना धूप में खुद हील हो जाएगा अपने आप, ये अपने आप हील हो जाते हैं। बाकी भाई बैक टू द पॉइंट, ये भाई जो ये अपना ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है ना, ये अगर आप अप्लाई करवाते हो पहली बात तो कॉस्टली होता है वो, बट इसका फायदा क्या होता है, फायदा बताओ अगर भाई एक बार इसका। इसमें अब साइड, अब मेन क्या था, ये ये जिस रीजन से मेरी 15 दिन हो गए इसको शोरूम से गाड़ी निकले हुए, 15 दिन हो गए गाड़ी निकले हुए, कस्टमर से मेरी 15 दिन से बात चल रही थी, इसके अंदर ये परसों लगा है कस्टमर से स्क्रैच सुबह, ये देख लो ये परसों सुबह स्क्रैच, उसके बाद आया ये गाड़ी तब आई है मेरे पास कि भैया गाड़ी करो, स्क्रैच लगने के बाद कि भैया मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी करो। अगर ये इसका फायदा ये होता है, अगर ये पीपीएफ पहले कराई होती इस पार्ट के ऊपर तो ये स्क्रैच आपका पेंट में नहीं आता, ये स्क्रैच नहीं आता, तो भाई ये एडवांटेज है पीपीएफ का, क्यों पीपीएफ जरूरी है और क्यों पीपीएफ कॉस्टली है। कपूर का साइड में से कोई रिक्शा वाला मार देता है, बाइक वाला मार देता है, या फिर साइड में से कोई चाबी घुमा देते हैं बच्चे, पड़ोसी कोई चाबी मार देते हैं, कोई मार देते हैं, वही तो आपका पेंट जो होता है ओरिजिनल वो डैमेज नहीं होता, कस्टमर टूटता है। बाकी आपकी भाई जो मतलब वो है ना अपने जैसे आकाश भाई का स्टूडियो है, तो आगे जाकर रिस्पॉन्स जो है ना वे भी कस्टमर अच्छा नहीं देगा। सेफ शील्ड कंपनी है, इस तक भाई वीडियो पहुंच पाया है और अपने भाई जो सर्विस है ना, सर्विस क्वालिटी थोड़े बेटर कर पाए, क्योंकि भाई ये चीज़ जो है आकाश भाई कह रहा है कि हर बार नहीं आई, ये इसी बार आई, तो कंप्लेन भी इसलिए इन्होंने अभी करी, पर कंपनी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो ये चीज़ें डिसअपॉइंट करती है। अब आकाश भाई तो आगे से खरीदेगा नहीं इनसे कोई भी पी पी मेरा तो हाथ खड़ा हो चुका। फोटो वगैरह नहीं मंगवाए उन्होंने कुछ भी, फोटो बताया था मैंने, फोटो भेजी है, वीडियोस भेजी है, इनको डिफरेंस दिखाया कि ये हमारी क्वालिटी हम लगा रहे हैं, ये दूसरी कंपनी की पीपीएफ भी है। अब कंपनी के बदले क्या बोल रहे हैं कि नहीं व्हाइट गाड़ी में तो येलो बनाता है, येलो ने साथ दिया व्हाइट गाड़ी में, क्या जाएगा येलो में। अब मैं ऑलरेडी इतने सालों से मैं यूज कर रहा हूँ पीपीएफ, मैंने व्हाइट गाड़ी कोई पहली गाड़ी तो मेरे पास आई नहीं होगी, मैंने और भी गाड़ियां करी हैं, बिल्कुल उसमें मैंने आपको डिफरेंस भी दिखाया, मैंने कहा सर ये देखो आपका बिफोर एंड आफ्टर, ये एक्चुअल कलर है, ये मेरी पीपीएफ है और ये आपकी पीपीएफ है, लेकिन बंदा फिर भी नहीं समझ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है अपना, वही तो बात है। मैं सबसे यही कहूंगा कि सिर्फ सेफ से यूज ना करें, वही बात है अपना भाई, जो कंपनी अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो आगे का रिस्पॉन्स देगी, अभी इनका रिस्पॉन्स इतना बेकार है। तो गाइस ये एक वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता है किसी नई वीडियो में किसी नई दिन के साथ।